सरकार ने दे दी है ना, उसमें 2000 जो वीडियो की भर्ती थी ना वो भी इंक्लूडेड है, जो रद्द हो चुकी है हाईकोर्ट में, वो केस चल रहा है उसका, अभी उसका फाइनल रिजल्ट आएगा 14 दिसंबर को। जिन जो भर्तियां इन्होंने स्वयं ने रद्द कर दी है, जिसमें घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था, है उसको भी इन्होंने 4.5 लाख में, 4.5 लाख में हम लोगों को सैलरी मिलनी अब तक मिल जानी चाहिए थी, 4.5 लाख में सर वो सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है, चाहे आयोग बरगला रहा हो, चाहे अधिकारी चाहे सरकार स्वयं बरगला रही हो इस जनता को, हम युवाओं को, ठीक है सर, एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। और निश्चित रूप से ये पुलिस प्रशासन इसका बल दिखा के हम लोगों को अपनी निजी मांग भी नहीं रखने देते, ऊपर कहते हैं हम अपनी मांग रखते हैं तो कहते हैं कुतर्क कर रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए, 5 साल हो गए सर पढ़ते पढ़ते, 4 जगह हम लोग क्वालिफाइड हैं, ये यहाँ से हर बच्चा इन्हीं की भर्ती प्रक्रिया में 2-2, 3-3 जगह क्वालिफाइड है। अभी इन्होंने नया निकाला पेट का, पेट का रिजल्ट आ गया, अब तक तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था तमाम भर्तियों का, लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे किसानों को अपनी आय चाहिए थी तो वो मांग रखते तो इन्होंने बिल थमा दिए उनको, हम लोगों को लेखपाल और अन्य भर्तियां चाहिए तो ये क्या थमा रहे हैं, बैकडोर से इंटरव्यू लागू करके लिपिक की भर्तियां थमा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग कोर्ट में जाएं, फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। 2017 में यही आदेश लाए थे इंटरव्यू समाप्त करने का, वापस से आप देखिए प्रावधिक विद्यालयों में इंटरव्यू का प्रावधान ला रहे हैं और फीस उसकी रखे हैं 750 रुपए, ये सिर्फ फंड इकट्ठा करेंगे चुनावी, ये आयोग पूर्णतः किसी काम का नहीं है, बंद कर देना चाहिए अभी शासन को, मुख्यमंत्री जी के साथ है हम, वो आदेश करें इस आयोग को बंद करने का, ठीक है, क्योंकि भंग कर दे, ये वैधानिक निकाय किसी काम का नहीं है, हम लोगों को बरगला रहा है, हम लोगों की गाड़ी कमाई को ये अपने निजी स्वार्थ में, इस आयोग में स्वयं में भर्तियां नहीं हुई है, अभी ऊपर चेयरमैन जिनसे भी हमारी बात हुई सचिव, इनके खुद के पद खाली हैं, ये कह रहे हैं हमारे यहाँ 80 लोगों का स्टाफ होना चाहिए, हमारे पास 25 लोगों का स्टाफ है, उसमें परीक्षा नियंत्रक जी की जो बात करने का जो बिहेवियर था वो आप देखते तो आपको लगता किसी चौराहे पे बैठे हुए किसी तानाशाह व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, हम लोग ये जितनी भी मांग रख रहे हैं, क्या आप लोगों को कुतर्क लग रही है, आप बताइए 2017 है, 2019, 2016 है, होम्योपैथिक वालों का रिजल्ट आ गया, उनकी नियुक्ति पत्र नहीं जारी, ये कहाँ जाएंगे, ये अपनी मांग को कहाँ रखेंगे, आयोग के सामने रख रहे हैं, इको गार्डन भेजेंगे, ये इको गार्डन में कौन सुन रहा है किसकी, 4 साल से बैठे हुए 2016 के SI के बच्चे जो अपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं उनको तो नियुक्ति मिली नहीं, नई SI की भर्तियां करा रहे हैं, ये आप स्वयं देख रहे हैं भर्ती प्रक्रियाओं का हाल, सरकार किसी को नियुक्ति नहीं देना चाहती है तो वो शब्द से आके हम लोगों को बरगलाए नहीं, आदेश जारी कर दे कि हम सरकारी नौकरी नहीं, हम सभी सरकारी नौकरी नहीं चाहते हैं, लेकिन जब फॉर्म आएगा तो हम प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में ये उलझा के अगर रखना चाहते हैं तो सर नियुक्ति नहीं होगी तो बदलाव होगा उत्तर प्रदेश, कोई काम नहीं किया सिर्फ और सिर्फ पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड इनका उठा के देख लीजिए, कोई भी कैलेंडर इन्होंने फॉलो नहीं किया, कोई भी नौकरी को पूरा नहीं किया, किसी भी भर्ती को इन्होंने पूरा